दिन जो अभिषेक और गंधोदक की बात आती है महाराज जी, तो गंधोदक अभिषेक जब होता है तो अभिषेक जैसे ही होता है और गंधोदक लेना शुरू हो जाता है, ये प्रतिदिन अगर कोई जल्दी होती है बात तो बात अलग है, प्रतिदिन ऐसा होता है कि प्रभु बैठे रहते हैं एक कलश्य होती है और गंधोदक लेना शुरू हो जाता है, शांति धारा नहीं हो पाती है, तो क्या उचित है महाराज श्री? कोई ऐसे भूखमंगे होते हैं जो सब्जी पूरी नहीं छोड़ पाते उसके पहले ही खाना शुरू कर देते हैं, रोटी पूरी नहीं सेक पाती और खाना शुरू हो जाता है, तो उनको खा तो लेंगे वो, लेकिन बाद में पेट में दर्द हो जाएगा, बीमारी हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने अधकच्चा खाया हुआ है। और कई लोग कहते हैं कि गर्म चीज़ खा लेते हैं, इतने जल्दी खाते हैं कि फिर मुँह जल जाता है, फिर कुछ वो खाने लायक भी नहीं रहते। इसलिए धर्म की क्रियाएं जो हैं पूर्ण हुए बिना तुम करोगे, वो गंधोदक तुम्हें फायदा नहीं करेगा, नुकसान करेगा। वो उतना तुम ले तो लोगे, गंधोदक का एक दस्तूर हो गया, जब तक गंधोदक चढ़ने के बाद भगवान का अर्घ नहीं चढ़ जाता है जो, तब तक गंधोदक लेना वो पूर्ण गंधोदक नहीं माना जा सकता। गंधोदक की एक प्रक्रिया है, यही तो सबसे बड़ा नुकसान हुआ कि मैंने जब देखा कि लोग गंधोदक को बदनाम करते, लोगों ने प्रश्न किए मेरे सामने के, बोले महाराज आप लोग कहते हो कि गंधोदक से 700 कोड़ियों के कोड़ दूर हुए थे, गंधोदक में ये है, हमारे लिए तो कोई फायदा नहीं हो रहा है, बल्कि हमने फुड़िया में लगा लिया तो वो फोड़ा और हो गया। मैंने कहा ये लोग तो गंधोदक को बदनाम कर देंगे। फिर मैंने सोचा कि मैं गंधोदक देखूँ सही कि गंधोदक है कि नहीं, तो मैंने जब तुम्हारे अभिषेक करने की प्रक्रिया देखी तो फिर मुझे गुस्सा आया। मैंने कि तुम लोग गंधोदक बनाते ही नहीं हो, आए और सीधा लोटा उठाया भगवान के 1008 कलशों की, भगवान की नहीं कलशों की, लोटा उठा के ढाल दिया, कुछ नहीं पड़ते, कुछ नहीं होने वाला बंधु। जब फिर मैंने सोचा कि नहीं ये गंधोदक को बदनाम करेंगे, फिर मैंने जब से गंधोदक के अभिषेक की विधि बताई, अभिषेक करने के 5 नंबर हैं और अभिषेक विधि से करने के 15 नंबर हैं। अब तुमने जल ढाल दिया अकेला तो तुम्हें 5 नंबर मिलेंगे, फैल हो, वो गंधोदक फैल है। और विधि पूर्वक यदि गंधोदक किया और गंधोदक नहीं भी ले पाए तो भी तुम्हें 15 नंबर मिलेंगे बिना गंधोदक लिए। रिपीट करता हूँ समझना, एक व्यक्ति ने गंधोदक अभिषेक किया और गंधोदक लगा लिया, उसको 5 नंबर मिलेंगे, विधि कुछ नहीं थी, उठाया लोटा ढाल दिया। एक व्यक्ति ने पूरी विधि के लेकिन अंत में गंधोदक नहीं ले पाया या मिल नहीं पाया, उसको 15 नंबर मिलेंगे। तो गंधोदक लेने वाले जो आकुलता कर रहे हैं उनको कुछ नहीं होने वाला, पूरा गंधोदक की विधि पूरी होने के बाद जब अंत में जो अर्घ चढ़ाया जाता है भगवान के उपकार का, सबसे ज़्यादा शक्ति कब आती है गंधोदक में, जब वो तुम अभिषेक के बाद आभार में अर्घ चढ़ते हैं, भगवान को अभिषेक के समय 2 अर्घ चढ़ते हैं। पहला अर्घ चढ़ता है शुरू में आज्ञा के लिए, हे प्रभु मुझे आपका गंधोदक चाहिए है इसलिए मैं आपके अभिषेक करता हूँ, वो पहला। और अंत का अर्घ होता है आभार का, जो आभार का अर्घ होता है पानी चंदन सदक्षत पुष्प पुंज ऐसे ही है ना, वो जो चढ़ता है उस समय गंधोदक में ताकत आती है कि हे भगवान आपके मैं अनंत आभारी हूँ, आपने जिंदगी में कभी नहुन नहीं किया लेकिन हम पापियों के पाप धोने के लिए आपने अभिषेक करा लिया है, मैं आपका आभारी हूँ। वो जो आभार का अर्घ चढ़ने के बाद गंधोदक लोगे वो गंधोदक पूर्ण गंधोदक माना जाता है, और जहाँ भगवान बैठे हुए हैं वहाँ से कभी गंधोदक नहीं लेना। भगवान उठ जाने के बाद अथवा वहाँ से गंधोदक जो बाहर निकल के आया है वह गंधोदक लेना चाहिए, पूर्ण गंधोदक वही है, अन्यथा अधूरे में गंधोदक लेते हो गलत है।